हाय गाइस, तो मैं उठ चुकी हूँ। उठ के मैंने नहा लिया है। ये देखिए, ये मेरा आज का आउटफिट है। आउटफिट मैंने मतलब कुछ नहीं है, ये एक मतलब इंडियन टी शर्ट्स है। ये देखिए, टी शर्ट्स ली थी मैंने दो, ब्लैक और वाइट। ये मैंने की थी ऑर्डर सेंटर पॉइंट से, सेंटर पॉइंट मैक से। तो ये मैंने मतलब ऐसे मैं लैगी के साथ उसको ऐसे करके मैच कर लेती हूँ, तो ईजी रहता है घर पर। और ऐसे मतलब टी शर्ट लॉन्ग टी शर्ट टाइप भी होता है और अच्छा भी लगता है। चलिए देखते हैं आयशा क्या कर रही है। यहाँ पे आयशा बैठी है। ओह माय गॉड, मेरी मीनू आल्सो वेक अप। ये देखिए, ये भी उठ गई है, इसको लगी है भूख। रुक्सी, व्हाट डू यू वांट फूड? रुक्सी को खाना खाना है, अभी मैं खाना दूंगी। यहाँ पे बैठी है आयशा। आयशा उठ नहीं रही, उठ गई है मतलब उठने के बाद भी उठ के नहा नहीं रही है। मैं काफी देर से बोल रही हूँ आयशा वेक अप। आयशा, तो आप रेडी हो इंडिया जाने के लिए? यस। आयशा क्या दिख रही है? आयशा दिख रही है यहाँ पे कार्टून, वहाँ पे रुक्सी बैठी हुई है। ये देखिए, व्हाट इज दिस? गाचा लाइफ। अभी के कार्टून भी कैसे हो गए ना, हमें नाम भी नहीं पता उनके। हम बड़े जूर हो गए बट हमें नाम नहीं पता। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कपड़े डाल दी है धोने के लिए घर पे। हमारे जो मतलब हमारे घर के बाहर कुछ काम हो रहा है तो इसलिए बाहर नहीं जा रहे। बट ये देखिए, इसके पैर लग गए। मेरी क्लीनिंग करने के बाद भी कुछ गंदा हो गया। और यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं कपड़े। ये हमारी वॉशिंग मशीन, ये मेरा है डस्टबिन। और ये देखिए, हमारी वॉशिंग मशीन हमारे किचन के अंदर ही है। किचन के यहाँ पे ही रखी हुई है, मतलब यहाँ पे फिक्स की होती है एक्चुअली। ये चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स होती है। तो ये देखिए, वॉशिंग मशीन है, मैंने ऑन कर ली है। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि वॉशिंग मशीन का रिव्यू देना, मतलब ये कैसे, मतलब वाटरप्रूफ भी, वाटरप्रूफ नहीं, मतलब वाटर और मतलब वाटर भी बोला नहीं आ रहा, मतलब ये ड्राई भी करती है साथ में। ये देखिए, इसमें कितने सारे सिस्टम है। ये है लो टेम्परेचर ड्राई, टेम्परेचर ड्राई, और ये आयरन ड्राई भी करती है, जिससे फुल्ली ही आयरन ड्राई हो जाता है। ये देखिए, ये है रुक्सी का चिकन। ये मैंने ले लिया है, छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। ये खाएगी रुक्सी चिकन। रुक्सी, ए ईट 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 रुक्सी ईट। उसका मन नहीं है शायद, देखते हैं अभी खाती है नहीं। रुक्सी, यू वांट टू ईट, टेक चिकन। चलो जी, वो चलेगी। एक्चुअली हमारे घर के बाहर काम हो रहा है। ये देखिए, वो उसको देखना चाह रही है बाहर क्या हो रहा है, क्या आवाज़ें आ रही हैं हमारे घर के बाहर। रुक्सी ने चिकन नहीं खाया तो मैं आ गई हूँ अंदर। तो ये होता है, कई लोग कहेंगे अभी चिकन तो, पर मैं आपको एक बार बता दूँ, हम एनिमल्स के लिए कुछ, एनिमल्स के कारण कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो जानवर होते हैं उनको तो देना ही पड़ता है, नॉनवेज भी कुछ नहीं कर सकते। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। इवन मैंने अपनी लाइफ में कभी नॉनवेज टच भी नहीं किया था। बट जब मेरे को मन था कि मैं कैट रखनी है, जब कैट ले ली तो मेरे को तो यही लग रहा था, क्योंकि इंडिया में तो कैट मिल्क ही पीती है ना, तो मेरे को ये लग रहा था कि कैट को मिल्क ही देना है। जब मैं इसको लेके आई तो इसको डायरिया हो गया। तो उसने बताया, जहाँ से मैंने लिया था वो अरबी था लड़का, उसने बताया कि नहीं, इसको चिकन, बॉयल चिकन ही देना है छोटा छोटा। अब मैं उसको ले चुकी थी, मैं अडॉप्ट कर चुकी थी, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था अभी मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने मतलब हिम्मत करके गई, तो मैंने उससे बोला कि मुझे, किसी से पूछा मैंने कि मुझे कैसे बाय करना चाहिए, मुझे नहीं पता। तो मैं वहीं से छोटे 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 पीसेस जो किए हुए लेके आ जाती हूँ, तो उसको जस्ट वाटर में डालूँ तो उसका कलर जैसे चेंज हो जाता है, रबड़ जैसा बन जाता है, मैं दे देती हूँ कैसे तैसे। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जानवर है, उसको तो मैं वेजिटेरियन नहीं खिला सकती, वो खाएगी भी नहीं। तो ये पले हुए हैं, ऐसे ही हैं अरबी लोगों के घर पे, इनकी माँ, इनके जो भी हैं मतलब सब लोग, सब एनिमल्स, ये जो कैट्स होती हैं ये वो ही खाती हैं, चिकन ही खाती हैं, बॉयल चिकन। तो फिर उनमें आदत थी तो मेरे को देना ही पड़ा। बाहर का वेदर अच्छा हो रहा है बट थोड़ी सी गर्मी भी होनी शुरू हो रही है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत तेज़ धूप भी चढ़ी हुई है, वो बहुत ही प्यारा वेदर। ओ माय गॉड, क्या कैमरे ने कैच किया, देखिए ज़रा क्लाउड कितने प्यारे लग रहे हैं। ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। देखिए, और ये हमारे है मतलब बालकनी का टूर है। ये देखिए ज़रा, ये हमारे बाहर मतलब ओपन जगह है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं क्लॉथ ड्राई के लिए। और यहाँ पे बाबी क्यूमिन पनीर वगैरह कुछ ऐसा नहीं। तो यहाँ पे ये सब मतलब हम गा वो पड़ा हुआ है, चेयर्स रखी हुई हैं, और यहाँ पे ग्रिलर है तो यहाँ पे हम ग्रिल करते हैं। और ये जगह फालतू मतलब खाली है, यहाँ पे वॉक वॉक भी कर लेते हैं, अच्छी है जगह, इसमें एक विला टाइप का फील आता है। ये देखिए, क्लाउड तो बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। तो इसको कर देते हैं हम बंद। तो ये था मेरा आज का टूर मतलब हाफ डे का टूर मैं और बनाऊंगी। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। तो आगे बढ़ने के लिए थैंक यू।
यू फॉर वॉचिंग।